नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज इसी के आगे के बारे में बात करेंगे। टाइप्स चल रहा था कम्युनिकेशन की प्रकार, जिसमें हमने संबंधों के आधार पे इसका वर्गीकरण किया हुआ था। आज हम देखेंगे चैनल के आधार पे। इसके चार हैं जिसके आधार पे इन्हें डिवाइड किया गया है। एक तो संबंधों के आधार पर, चैनल के आधार पर, उद्देश्य और शैली के आधार पर, दिशा के आधार पर। तो इस वीडियो में हम चैनल के आधार पर देखेंगे कि इसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो आगे देखते हैं चैनल के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें हम दो तरह से देख सकते हैं किस तरह से। पहला होता है शाब्दिक, जिसे बोलते हैं वर्बल, ठीक है। वर्बल होता है बोल करके, ठीक है। और अशाब्दिक क्या होता है? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में हमारा आ जाएगा जो किसी तरह के उसमें बोलते नहीं, एक्सप्रेशन हो गया इस तरह से, हाव भाव, शारीरिक मुद्रा, ये सब इसमें अशाब्दिक में आ जाएगा, नॉन वर्बल में। तो वर्बल में पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या है। वर्बल में शाब्दिक, शब्द के थ्रू। अब उनमें भी दो तरह से होते हैं, एक तो मौखिक बोल करके, लिखित लिख करके। तो ये शाब्दिक में आ जाएगा। अब शाब्दिक में, मौखिक में क्या आएगा? ध्वनि पिच व ध्वनि मात्रा। ध्वनि पिच मौखिक में भी तीन आते हैं, ध्वनि पिच, ध्वनि मात्रा, गति, उच्चारण में स्पष्टता। तो सबसे पहले शाब्दिक के मौखिक में देखेंगे ध्वनि पिच और ध्वनि मात्रा। ये क्या है? यह टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तत्व है, जिसे पिच मूलतः स्वर की उच्चता या निम्नता, हाईनेस और लोनेस का स्तर है, ठीक है। क्या है? जो पिच है, ठीक है, पिच ध्वनि मात्रा, ठीक है। तो ये क्या है ध्वनि पिच और ध्वनि मात्रा? इसमें क्या है कि पिच जो है वो स्वर की उच्चता और निम्नता का स्तर है, इनका लेवल है। और यह ध्वनि तरंगों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। शिक्षक की आवाज़ और सही भाषा की जानकारी भाषण के मुख्य कारक होते हैं। ध्वनि मात्रा, जैसे अब ध्वनि मात्रा क्या है? ये पिच हो गया। पिच क्या था कि मतलब इसमें यह स्वर की हाई, हाईनेस और लोनेस का लेवल है। जैसे ये शिक्षण की आवाज़ का सही भाषा की जानकारी भाषण, ये इसमें आएंगे। ध्वनि मात्रा क्या है? ये लोगों की संख्या और सामीप्य पर निर्भर करता है, और इसे डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि मात्रा क्या है? डेसिबल में मापा जाता है, और ये लोगों की संख्या पर निर्भर करता है, ध्वनि मात्रा, ठीक है, ये लोगों की संख्या पर निर्भर करता है। लेकिन ध्वनि पिच क्या है? ये पिच जो है ये स्वर की उच्चता और निम्नता का लेवल है, और ये ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करता है, और ये जो है ये लोगों की संख्या पर निर्भर करता है, और फिर डेसिबल में मापते हैं। फिर मौखिक में दूसरा आ जाएगा गति, रेट। गति क्या है? ये मेनली जब संदेश वाहक बोल रहा हो, ठीक है, तो नियमितता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि एक नियमित रूप से या लयबद्ध, ठीक है, लयबद्ध आवाज़ आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। अनियमित भाषण अनिश्चितता का संकेत है। यदि शिक्षक धीमी गति से बात करता है तो छात्र हताश हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी पर्याप्त या वांछित ढंग से प्राप्त नहीं होती है। तो गति होना बहुत जरूरी है। तो शाब्दिक में हमारे मौखिक में क्या आ जाएगा? ध्वनि पिच, ध्वनि मात्रा। फिर दूसरा है गति, एक लय में होनी चाहिए हमारे कम्युनिकेशन। तीसरा है उच्चारण में स्पष्टता, हमारे जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा आता है लिखित। लिखित में क्या आएगा? लिखित में जैसे लिखे हुए संकेत और प्रतीक इस तरह के आ जाएंगे, दोनों मुद्रित या हस्तलिखित रूप में उपयोग किए जाते हैं। और इसमें जैसे क्या आ जाएगा कि लिखित संप्रेषण में तात्पर्य ऐसी सूचनाओं से होता है जो शब्द में तो होती हैं लेकिन उसका स्वरूप मौखिक ना होकर लिखित होता है। संदेश वाहक के लेखक कौशल, शैली, ज्ञान, ये सब जो ग्रामर है, व्याकरण है, संदेश की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। लिखित संदेश में क्या होता है? लिखित संदेश में संदेश ईमेल, पत्र, रिपोर्ट, ज्ञापन आदि के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। तो मेनली इसमें ये देखना है कि लिखित में क्या आते हैं, लिखित शाब्दिक के लिखित में, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन है। उसमें रिटन कम्युनिकेशन में क्या आएगा? रिटन में
रिटर्न में हमारे ईमेल हो जाएंगे, पत्र, रिपोर्ट, ज्ञापन, ये सारी चीजें इसमें आते हैं जो सरकारी या गैर सरकारी संस्था में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में क्या आ जाएगा, जो संकेत के माध्यम से हो, मतलब बोल करके ना, उस शब्द का यूज ना हो, वो नॉन वर्बल आता है। और इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं एक्शन से रिलेटेड कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो इसमें क्या है, करनी कथनी से अधिक बलवती होती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो वर्बल है बोलने के लिए, शब्द जो है, शब्द में मौखिक होती है जिसमें शब्द का उपयोग होता है, अशाब्दिक नॉन वर्बल होता है जिसमें वर्ड का यूज नहीं होता है। इस तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे पहला रहता है शारीरिक मुद्रा। शारीरिक मुद्रा, वेशभूषा, स्पर्श, निकटता। तो सबसे पहले देख लेते हैं शारीरिक मुद्रा, बॉडी लैंग्वेज कैसी, जैसे मुंह हिलाना, ठीक है, हाथों से संकेत करना, हाथ हिलाना, इधर उधर चलना, तो ये शारीरिक मुद्रा में आ जाता है। दूसरा क्या आता है, वेशभूषा, अपीयरेंस। वेशभूषा में कैसे रहेंगे, जैसे संस्कृति, व्यक्ति के व्यवहार, विचार, जैसे इसका संदेश, ठीक है, किस तरह का वेशभूषा पहने हैं तो उसका क्या संकेत जाता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, विचार कैसा है, ठीक है, पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है, उसकी संस्कृति कैसी है, तो वो उसकी वेशभूषा से पता चलता है। फिर तीसरा हमारा आ जाएगा स्पर्श। स्पर्श में क्या हो जाएगा, टच, स्नेह वश किसी की गाल को थपथपाना, दुख की घड़ी में किसी के सिर या कंधे पर हाथ रखना या बांह पकड़ना, दोस्तों के से हाथ मिलाना, ये सारी अमौखिक संप्रेषण है और ये स्पर्श में आ जाएगा, ठीक है। तो भीड़ में आपने किसी को स्पर्श किया और वह आपको आगे जाने के लिए जगह दे देता है, तो ये भी एक कम्युनिकेशन हो गया, तो वो स्पर्श में आ जाएगा। फिर लास्ट आता है निकटता। निकटता में क्या रहेगा कि इसमें प्रॉक्सिमिटी, यानी इसमें सामने वाले व्यक्ति के हमारा संबंध प्रकट होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है, मतलब दूरी, ठीक है, दूरी, इससे क्या होता है कि इससे सामने वाले व्यक्ति से हमारा संबंध प्रकट होता है। तो ये हमारे चैनल के आधार पे हो गया। अब कुछ हैं जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं नेट पेपर में, जैसे काइनेसिक्स क्या है, मेटा संप्रेषण क्या है, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है जो अधिकतर पेपर में आते हैं। जैसे क्रोनोमिक्स हो गया, ये अधिकतर आता है, प्रोसेमिक्स और काइनेसिक्स, ये तो बहुत बार आ चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं कि काइनेसिक्स क्या है। काइनेसिक्स को ही हम शारीरिक मुद्रा या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो हमारा काइनेसिक्स में आएगा। फिर होता है मेटा संप्रेषण। मेटा संप्रेषण क्या है कि इसमें संकेत, जैसे बात कहने का लहजा, चेहरे की अभिव्यक्ति, ये अशाब्दिक में आता है, ठीक है। तो संकेत वाली जो है वो मेटा संप्रेषण में आ जाएगा। तीसरा आता है पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक में क्या आएगा, स्वर, टोन, शब्द कैसे कहे गए हैं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जब आप अपना मुंह बात करने के लिए खोलते हैं, आप स्वयं के बारे में काफी कुछ कह जाते हैं जिनका अक्सर आपके कहे शब्दों से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो पैरालिंग्विस्टिक है, ठीक है। तो स्वर, टोन होता है। फिर आता है ओकुलिसिस, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, नेत्र पलकों का प्रयोग, किस तरह से कम्युनिकेशन क्या होता है, नेत्रों के माध्यम से, ठीक है। जैसे हामी भरनी है तो पलके झपका देना, तो वो चीज ओकुलिसिक्स में आ जाएगा। फिर आता है, ये छोटा छोटा लिख देते हैं, जैसे काइनेसिक्स क्या हो गया, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक। फिर मेटा संप्रेषण क्या हो जाता है, संकेतों के माध्यम से। पैरालिंग्विस्टिक क्या हो जाता है, पैरालिंग्विस्टिक में स्वर यानी टोन, और ओकुलिसिक्स में रहेगा नेत्र पलकों के का अध्ययन होता है, नेत्र, आईज के थ्रू कम्युनिकेशन करना। प्रोसेमिक्स ये भी आता है, स्थल का उपयोग, यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के निकट वाली कुर्सी पर बैठा हो तो इसका क्या अभिप्राय होगा, तो ये सारी चीजें स्थल का, मेनली यहाँ पर स्थान की बात होती है, स्थल। फिर आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स में स्पर्श का, कहते हैं स्पर्श के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो कई सारे ऑप्शन दे देते हैं, इसमें हैप्टिक्स आ जाएगा। फिर आता है ऑब्जेक्टिक्स।
ऑब्जेक्टिव्स में रहेगा वस्तुओं, यानी संप्रेषण में वस्तुओं आदि का प्रयोग करना, जैसे किसी वस्तु की ओर इंगित करना, तो ये भी एक कम्युनिकेशन होता है, इशारा करना, मतलब इस तरह से वस्तु की तरफ, वो ऑब्जेक्टिव्स हो जाता है। फिर आता है क्रोनोमिक्स, ये भी कई बार आ चुका है, इसमें समय, समय का अध्ययन होता है, समय का प्रयोग किया जाता है, तो वो इसमें आ जाएगा क्रोनोमिक्स। फिर रहता है, फिर है ऑल्फैक्टिक्स, इसमें गंध और महक आएंगे, गंध महक। फिर है गुस्ट्रिक्स, गुस्ट्रिक्स में स्वाद का प्रयोग करते हैं, स्वाद टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें आ गई चैनल के आधार पे देखा गया। इसमें मेन मेन चीज़ें कौन कौन सी थी, चैनल के आधार पे शाब्दिक अशाब्दिक, शाब्दिक में मौखिक और लिखित दोनों आते हैं, वर्ड का यूज होता है, ध्वनि पिच, ध्वनि मात्रा रहती है, ध्वनि पिच क्या है तो उनको देख, जैसे कि बताया गया था कि ध्वनि पिच है क्या, तो इसमें जो पिच है वो स्वर की लोनेस और हाईनेस को दर्शाता है, इसके लेवल पर निर्भर करता है, मतलब उसके लेवल और जो ध्वनि तरंगों हैं इनकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। लेकिन जो ध्वनि मात्रा है ये लोगों की संख्या पर निर्भर करता है और डेसिबल में मापते हैं। गति क्या होती है, रेट के स्लैम में कम्युनिकेशन हो रहा है, उच्चारण में स्पष्टता यानी क्लियरिटी होनी चाहिए, और लिखित रिटर्न में हो, जैसे सरकारी और गैर सरकारी संस्था में ईमेल के थ्रू, रिपोर्ट इस तरह से पत्र के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। अशाब्दिक कम्युनिकेशन में शारीरिक मुद्रा आ जाएगा, वेशभूषा, स्पर्श, निकटता, जो नॉन वर्बल होता है, शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं, उसी को और क्या क्या कहा जाता है, जैसे काइनेसिक्स में बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं, मेटा संप्रेषण में संकेतों का, पैरालिंग्विस्टिक में टोन का, स्वर का, ओकुलिसिक्स में नेत्र का, प्रोसिमिक्स स्थल का, हैप्टिक्स स्पर्श, ऑब्जेक्टिक्स में आ जाएगा वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, क्रोनोमिक्स में समय का, ऑल्फैक्टिक्स में गंध और महक का, और गुस्ट्रिक्स में स्वाद का अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया चैनल के आधार पे, और इस वीडियो में हम चैनल के आधार पे देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उद्देश्य और शैली के आधार पे देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक एंड शेयर इट, थैंक यू।